Look at this. Do you want to do it? Don't put it here. डाले दो। देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज रेजिस्टेंस। रेजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन, यहाँ पे ऑप्शन है सीरीज ऑर्डर, पैरेलल ऑर्डर, मिक्स्ड ऑर्डर और इसमें से कोई नहीं। रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए किस क्रम में जोड़ेंगे? वेरी गुड। अगर घटाना हो तो सीरीज में देखिए सब जुड़ जाता है, जुड़ने से क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए सीधे याद रखें, कहीं भी रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो वहाँ सीरीज में जोड़ेंगे और कहीं घटाना हो पैरेलल में जोड़ेंगे। इसलिए सही जवाब क्या हो गया हमारा इसमें? ए नंबर। आंसर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीटर इज यूज टू मेजर। ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, बी में है रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज और डी नंबर में है इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों एमीटर से क्या नापा जाता है? तो एमीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट नापते हैं, इसलिए सही जवाब हो गया डी। डी क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर से हम लोग हमेशा याद रखें इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं, मेजर करते हैं। इसी तरह से है वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर। ऑप्शन है ए करंट, बी में है रेजिस्टेंस, सी में है वोल्टेज, डी में है नन। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? दोस्तों वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है? वोल्टेज। सही जवाब क्या हो गया हमारा? सी। वेरी गुड। वोल्टेज और वोल्ट मीटर मिल रहा है, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं, या वोल्टेज का ही दूसरा नाम क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर इज अरेंज्ड, अरेंज्ड इन, ऑप्शन पहले देने दीजिए सीरीज ऑर्डर, बी में कह रहा है पैरेलल, सी में कह रहा है बोथ, डी में नन। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? वोल्ट मीटर ऑलवेज अरेंज्ड इन पैरेलल ऑर्डर। ये बी नंबर होगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीटर इज अरेंज्ड इन। ए नंबर में है आपका, ऑप्शन वही है सीरीज ऑर्डर, पैरेलल ऑर्डर, सी में है बोथ और डी में है नन। इसमें से सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी नंबर। क्या होगा? ए नंबर। एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं।
पांचवा छठा एक क्वेश्चन पीछे से मैं देना चाहूंगा ऑब्जेक्टिव में, इफ लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड अरेंज्ड इन पैरेलल ऑर्डर देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ऑप्शन है 1 ओम, 0.1 ओम, 100 ओम, डी में है नन। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को ध्यान से समझें। क्वेश्चन क्या है कि लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड अरेंज्ड इन पैरेलल ऑर्डर। तो निकालना क्या है दोस्तों, हम लोगों को निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। थोड़ा कट रहा था इसलिए इसको, क्वेश्चन को फिर से एक बार देखा जाए। इफ द लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड अरेंज्ड इन पैरेलल ऑर्डर देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनमें से कौन सा होगा सही जवाब, 1 ओम, 0.1 ओम, 100 ओम या नन। आप लोगों को इसका आंसर YouTube के कमेंट बॉक्स पे जाकर देना है। दोस्तों 9th नंबर के ऑब्जेक्टिव में आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे इसे मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर आप आंसर अपने यूट्यूब पे डाल देंगे अपना आंसर, अपना नाम अमर करने के लिए। कि लेंथ ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, क्वेश्चन पढ़ा जाए ध्यान से, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसको डिवाइड किया गया 10 इक्वल पार्ट में, बड़ा सा एक तार है मान लो जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। अब इसको 10 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपने पढ़ा है कि लेंथ घटने से रेजिस्टेंस घट जाता है, तो हर एक छोटे टुकड़े का जो रेजिस्टेंस होगा, इसको स्मॉल आर मान लीजिए, तो इसका फॉर्मूला होगा जितना टोटल रेजिस्टेंस था और जितना पार्ट में डिवाइड किए, रेजिस्टेंस टोटल 10 है और 10 पार्ट में डिवाइड किए, हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस 1 ओम हो गया। अब आप सबको फिर कह रहा है कि पैरेलल में सजा रहे हैं, आर पी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जब सब इक्वल हो तो ट्रिक बताया गया है आर बाई एन, 1/n, n नंबर है, नंबर कितना है तो 10, 1/10 दैट इज 0.1। अब कौन सा सही आंसर है आप समझ रहे हैं, वो आंसर आपको कहाँ डालना है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन है इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज बेंट मोड़ा गया इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, फॉर्म ऑफ ए सर्कल देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across any diameter। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, इसको बेंड किया गया, मोड़ दिया गया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, कैलकुलेट क्या करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस अराउंड जो भी लिखे हैं एनी डायमीटर, किसी एक डायमीटर के अराउंड
उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए समझिए। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस 100 ओम दिया गया है। अब आप क्या कर रहे हो, इसको एक वायर पहले सीधा था, अब इसको मोड़ के एक सर्कल बना दिया गया। मोड़ के क्या बनाया गया, पहले कैसा था स्ट्रेट वायर, अब उसको मोड़ के एक सर्कल बना दिया गया। अब कह रहा है कि इसका कोई एक डायमीटर व्यास, मान लेते हैं ए बी डायमीटर है, इसके अराउंड इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए बी के अराउंड। तो देखो आप सभी ने पढ़ा है बचपन से कि डायमीटर किसी सर्कल को दो बराबर भागों में बांट देता है। डायमीटर किसी सर्कल को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो यहाँ पे इस पार्ट और इस पार्ट दोनों का रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 100, और ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, टू पार्ट में। तो 100 बाई क्या हो जाएगा 2, दैट इज 50 ओम। ऊपर वाले का भी 50, नीचे वाले का भी 50। अब ये दोनों जो है ऊपर 50 दिखाएंगे, नीचे भी क्या दिखाएंगे 50, ये 50 ये 50। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, पैरेलल में है, इक्वल है। तो R बाई एन वाला फॉर्मूला बताइए, आर पी ट्रिक बताया गया, आर बाई एन 50 बाई नंबर, नंबर कितने है 2, दैट इज कितना आ गया 25 ओम हो गए। अब देखिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस MN इन द गिवन फिगर। इसमें फिर मैं एक सर्कल ही दे रहा हूं और इसमें जो अरेंजमेंट है रेजिस्टेंस का वो दिखाया जा रहा है आपको। एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। दिस पॉइंट इज एम एंड दिस पॉइंट इज एन। हर एक का मान लेट 66 ओम है। आपको एम एन के बीच, ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस MN इन द गिवन फिगर। इस दिए गए फिगर में MN के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए पॉइंट का नाम क्या है, N है। हम लोग पहले क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में पहले इसका नेमिंग करते हैं। ध्यान से सुनिए, इम्पॉर्टेंट न्यूमिकल और समझने वाला न्यूमिकल है, कंसेप्ट से बनेगा, थिंकिंग पावर लगाना होगा, कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे। रूल्स क्या याद रखना है कि हर जंक्शन का नेमिंग करना पड़ता है। नेमिंग जंक्शन किसको बोलते हैं, जहाँ पे दो तीन लाइन आके मिलता है वो जंक्शन कहलाता है। हर जंक्शन का फिर से नेमिंग करना पड़ता है हम लोगों को। वालेकुम सलाम। जैसे ये एन है और यहाँ जंक्शन है, इसका कुछ नाम नहीं है, इसका भी नाम डालना पड़ेगा। वालेकुम सलाम। ये एन है, ये जहाँ पे जा रहा है, ये दिस पॉइंट इज ऑल्सो एन, ये भी एन होगा और ये भी क्या होगा, एन होगा। क्या होगा, एन। कैसे इसको याद क्या रखना है कि जब तक रेजिस्टेंस नहीं आए नाम नहीं बदलता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखिए डायरेक्ट जुड़ा गया है, इस बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये सेम पॉइंट्स को दिखाता है। ये अगर ये एन है तो ये भी एन होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये एन है तो ये भी एन होगा। इधर तो ये एम कुछ थोड़ा सर्कल में सटा हुआ है, तो अंदर में है, इतना गैप नहीं दिख रहा है क्या, इतना गैप है ना। अब देखिए ये एम है और यहाँ पे भी एक जंक्शन है, सब मिल रहा है, इसका भी नेमिंग करना पड़ेगा। इसका एम नहीं होगा, क्यों, रेजिस्टेंस आ गया। जैसे ही रेजिस्टेंस आ जाए पॉइंट का नाम बदल जाता है। पॉइंट का नाम, इसका नाम मान लेते हैं ओ है। तो अब हम लोग देखिए तरीका क्या है कि जिन दो पॉइंट के बीच निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक को शुरू में लिखेंगे एक को लास्ट में लिखेंगे।
अन्य पॉइंट को बीच में डाल देंगे। M शुरू में रहेगा, N लास्ट में रहेगा और बीच में हो जाएगा O। फिर से सुनो, जिस दो पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालने कहा जा रहा है, उसमें से एक को शुरू में लिखेंगे, एक को लास्ट में लिखेंगे। बीच में जितना पॉइंट उसको बीच में डालते हैं और फिर से फिगर को सजाते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहले खींचेंगे M, फिर खींचेंगे लास्ट में N, बीच में कौन हो गया O। अब देखिए ये किसके बीच है, ON, ये भी ON, ये भी ON, ON के बीच तीन हो गया और MO के बीच एक हो गया, MO के बीच में एक ठो है, ON, ON, ON तीन ठो है, पॉइंट सेम हो और बहुत सारे हो तो दे मस्ट बी अरेंज इन पैरेलल। पॉइंट सेम हो और एक से ज़्यादा रजिस्टर्स हो तो दे मस्ट बी अरेंज इन पैरेलल ऑर्डर। उसको हम किसमें सजाएंगे, पैरेलल में सजाएंगे। तो ये सिक्स सिक्स सिक्स, ये सिक्स, ये सिक्स तो रह गया, इस तीनों सिक्स का क्या होगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, इक्वल है, पैरेलल में है, आर बाई एन, आर हो गया सिक्स, एन हो गया थ्री, सिक्स बाई टू, सिक्स बाई टू की थ्री करेंगे, तीन है तो तीन से डिवाइड करेंगे, सिक्स बाई थ्री, सिक्स बाई थ्री दैट इज कितना आ गया टू। अब ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो क्या करना, सीधे जोड़ देना है, सिक्स प्लस टू दैट इज एट ओम, दिस इज योर आंसर। ओके, किन्हीं को समझ में ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है,